हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी कोटा। हमारा आज का चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसमें हम पढ़ेंगे एलिमेंट। तो एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट आर दो सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू मोर सिंपलर सब्सटेंस। ओके, तो एलिमेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिन्हें हम और ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते हैं और सिंपलर सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते हैं। या फिर सिंपल वे में बात करें तो आप ये भी बोल सकते हो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर की जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है उसे हम बोलते हैं एलिमेंट। ओके, विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, उसे हम और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे कोई एलिमेंट है आपके पास, आप उसे ब्रेक करोगे तो आपको एलिमेंट मिलेगा। ब्रेक किए हुए एलिमेंट को आप लोगे, उसे ब्रेक करोगे तब भी एलिमेंट मिलेगा। मतलब एलिमेंट को कितना भी ब्रेक करते जाओ आपको एलिमेंट ही मिलेगा। ओके, और जो एलिमेंट की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है? एटम। ठीक है, एलिमेंट की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? एटम होती है। एग्जाम्पल, एलिमेंट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, सिल्वर ले लेते हैं या कॉपर, सोडियम एक्सेट्रा। ठीक है, अगर हमने सिल्वर ले लिया, अगर हम सिल्वर को ब्रेक करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? सिल्वर ही मिलेगा। उसे ब्रेक करेंगे तो सिल्वर ही मिलेगा। उसके छोटे पार्ट को ले लेते हैं तब भी हमें सिल्वर ही मिलेगा। मतलब हम एलिमेंट को कितना भी डिवाइड कर रहे हैं, कितना भी ब्रेक कर रहे हैं, तब भी हमें क्या मिल रहा है? एलिमेंट ही मिल रहा है। ओके, अब डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट। तो फर्स्ट पॉइंट इज दे आर मेड अप ऑफ एटम्स। तो मैंने अभी आपको बताया, जब एलिमेंट के बारे में बताया था, कि जो एलिमेंट की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो एटम होती है। ठीक है, जब हम एलिमेंट को ब्रेक करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, तो लास्ट में हमें एटम मिलता है। ठीक है, तो दे आर मेड अप ऑफ एटम्स, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए आपका। अब सेकेंड पॉइंट पे बात करते हैं, तो दे आर इन नेचर इन फ्री और कंबाइंड फॉर्म। मतलब वो नेचर में जो एलिमेंट है वो हमें फ्री फॉर्म में भी मिल सकते हैं, कंबाइंड फॉर्म में भी मिल सकते हैं। फ्री फॉर्म में मिलना और कंबाइंड फॉर्म में मिलना, ये इनकी रिएक्टिविटी पर डिपेंड करता है। मतलब ये कितने रिएक्टिव है, अगर वो ज्यादा रिएक्टिव है तो ये कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे, अगर लेस रिएक्टिव है तो फ्री फॉर्म में मिलेंगे। अगर क्योंकि अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो किसी से रिएक्शन कर लेंगे तो कंबाइंड फॉर्म में मिल जाएंगे। ओके, थर्ड पॉइंट इज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर सेम एज ऑफ देयर एटम्स। ठीक है, इसकी जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो कौन कंट्रोल कर रहा होता है? एटम्स। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, मतलब कि इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, और सॉफ्ट है, हार्ड है, किससे रिएक्शन कर रहा है, किससे नहीं कर रहा है, ठीक है, शाइन करता है या नहीं करता है, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा होता है? एटम कंट्रोल कर रहा होता है। ओके, अगर हम एलिमेंट के बारे में थोड़ा और डिस्कस करें, तो एलिमेंट जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में भी मिल सकता है हमें, लिक्विड में भी एंड गैस में भी। लिक्विड स्टेट में सिर्फ हमें तीन ही एलिमेंट मिलते हैं, Hg यानी कि मरकरी, ब्रोमीन एंड हेलियम। ओके, गैसीय स्टेट में हमें 11 मिलते हैं। मतलब जैसे कि कुछ एग्जांपल्स, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, बाकी जितने बचते हैं वो सब हमें किसमें मिलते हैं? सॉलिड स्टेट, सॉलिड फॉर्म में। ओके, अब इसका लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, फोर्थ, दे कैन बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन एक रिएक्शन का टाइप है जो आप आगे जाके पढ़ोगे, 11-12 में पढ़ोगे। तो न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू आप न्यूक्लियर रिएक्शन से आप क्या कर सकते हो? नए एलिमेंट भी बना सकते हो। हमने एलिमेंट पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट का क्लासिफिकेशन। तो एलिमेंट को हम थ्री कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं, कौन कौन सी? फर्स्ट इज मेटल, सेकेंड इज नॉन मेटल एंड थर्ड इज मेटलॉइड। सबसे पहले पढ़ेंगे हम मेटल के बारे में, मेटल क्या होते हैं। ओके, तो मेटल्स आर दोज विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म रेस्पेक्टिव कैटायन। ठीक है, मतलब मेटल्स वो होते हैं जिनमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है। ओके, जैसे सोडियम। ओके, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो 2, 8 एंड 1। सभी एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। ऑक्टेट मतलब सभी चाहते हैं कि उसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, लेकिन इसकी जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है किसी को, तो इसकी आउटर मोस्ट शेल क्या होगी? ये वाली बचेगी, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और इसका ऑक्टेट नंबर कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है, तो सोडियम पे आ जाएगा Na पॉजिटिव। जैसे ही ये वन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस पे वन पॉजिटिव आएगा। जब भी कोई एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतने उस पे पॉजिटिव चार्ज आते हैं। जैसे मैग्नीशियम देख लेते हैं, मैग्नीशियम इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, तो 282। ओके, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कब होंगे, जब ये अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस पे कितने आ जाएंगे पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव आ जाएगा। एल्यूमिनियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 13, 13 मतलब 2, 8 एंड 3। अब इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ये अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो क्या करेगा, 3 डोनेट कर देगा, तो इस पे क्या आ जाएगा, 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। एल्यूमिनियम पे आ जाएगा 3 पॉजिटिव चार्ज। कोई भी एलिमेंट होता है उसमें क्या होता है, एटम, हमने आपको बताया कि एलिमेंट की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, वो एटम होती है। तो एटम है, एटम में क्या होता है, अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इसके चारों ओर होता है, इसके चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, तो न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है इस पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, पर आपने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, यहाँ पे डोनेट कर दिया, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता नहीं है, तो चार्ज कौन सा आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है फिजिकल स्टेट। हमें क्या करना है, अब मेटल्स की फिजिकल स्टेट के बारे में पढ़ना है। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, जो मेटल होते हैं वो सॉलिड होते हैं, किस पर, रूम टेम्परेचर पर। यहाँ रूम टेम्परेचर की बात हो रही है, एक्सेप्ट मर्क्यूरी एंड गैलियम। मर्क्यूरी एंड गैलियम ऐसे मेटल्स हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में नहीं मिलते, ये मिलते हैं आपको लिक्विड स्टेट में। ये दो एक्सेप्शंस हैं, तो ये आपको याद रखना है। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी आपके पास है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ओके, तो मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स का जो जनरली बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, क्योंकि इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। अब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब उनके मॉलिक्यूल कैसे बहुत पास पास है, फोर्स कैसा है, ज़्यादा है, तो वो इजीली ना ही मेल्ट होंगे और ना ही बॉयल होंगे, तो क्या होता है, उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। एक्सेप्शन इसमें भी है गैलियम एंड सीजियम। ओके, उसके अलावा जितने भी मेटल्स हैं सबके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे। डेंसिटी, अगर डेंसिटी की बात करते हैं तो सभी मेटल्स की डेंसिटी लगभग हाई ही हो। अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। ठीक है, तो मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। मैलिएबल मतलब जब किसी मेटल को आप हैमर करते हो तो आप उनसे थिन शीट बनवा सकते हो। जैसे आपने एल्यूमिनियम फॉयल देखी होगी, ठीक है, एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है, इसे जब हैमर किया गया तो इससे हमने थिन शीट बनवाई है। ठीक है, सिल्वर, सिल्वर की भी थिन शीट बन सकती है। ठीक है, तो मतलब जितने भी मेटल हैं उनसे उनसे आप थिन शीट बनवा सकते हो, इसलिए मेटल्स आर मैलेबल। ठीक है, अब डक्टाइल, तो मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब जब किसी मेटल को आप हैमर करते हो तो उनसे आप थिन वायर भी बनवा सकते हो, जैसे कि कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, सिल्वर है। ओके, अब कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि जितने भी एल्कली मेटल हैं वो डक्टाइल नहीं होते हैं। एल्कली मतलब, एल्कली मेटल मतलब लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रूबिडियम है एंड सीजियम। अब फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है मेटल्स में। ठीक है, मतलब इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन
एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो मेटल्स में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव करते रहते हैं, ठीक है, इसलिए ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है लस्टर, ठीक है, तो दे आर लस्ट्रस, मेटल्स जितने भी है मेटल्स आर लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब वो शाइन करते हैं, जैसे आपने देखा होगा गोल्ड है, सिल्वर है, यानी कि एजी, ये क्या करते हैं, शाइन करते हैं, तो मेटल्स आर लस्ट्रस, ठीक है। अब हमारे पास है सेवन प्रॉपर्टी, सोनोरस साउंड, गिव सोनोरस साउंड व्हेन स्ट्रक, जब आप मेटल को स्ट्रक करोगे तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आपने स्कूल में बेल देखी होगी, जब आप उसे स्ट्रक करते हो तो उससे क्या निकलता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो मेटल्स आर सोनोरस। अब हमारे पास एट प्रॉपर्टी, एट प्रॉपर्टी है हार्डनेस, जनरली हार्ड मतलब मेटल्स जो होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं। जैसे अभी आपने इतने सारे एग्जाम्पल पढ़े हैं, सिल्वर है, एल्यूमिनियम, सिल्वर, ठीक है, गोल्ड एक्सेट्रा, ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इन्हें नाइफ से इजीली कट कर सकते हो, ठीक है, तो ये एक्सेप्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। बाकी सारे जो मेटल्स हैं वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको वीडियो में कोई डाउट आता है तो आप अपने डाउट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन। थैंक यू।